ऐसा हरियर रोडवेज की कौर धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरियर भाई। आज मैं आपको लेके आया हूँ अमृतसर में कुछ बढ़िया पकवान, जायके और चटाके खिलाने। जबरदस्त मजे आने वाले हैं। आज आपको अमृतसर स्टाइल में खिलाते हैं खाना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ मेरे साथ भाई आज नेक्स्ट लेवल। सब्सक्राइब क्या बोल रहा हूँ भाई। भाई साहब कहते हैं कि अमृतसर आए और प्यारे लाल जी की पनीर भुर्जी ना खाई तो आपका अमृतसर आना जो है ना वो इनकम्प्लीट है। तो हम आ गए हैं जी अपना सफर कम्प्लीट करने। सर नमस्कार जी। भाई साहब देखो, अमृतसर वाले ना ईंट के बिना बात ही नहीं करते, सीधा ईंट निकालते अमूल की और फिर उससे बात शुरू करते हैं। सर आपके यहाँ पे अमूल के बिना नहीं बनती पनीर भुर्जी? नहीं, शुरू से अमूल में बनाते हैं। अमूल में बनाते हैं, मतलब अगर किसी को जैसे थोड़ा कम प्राइस में खानी हो तो ऑप्शन ही नहीं। क्वांटिटी कम दे देते ना। अच्छा, क्वांटिटी कम दे देते हैं, बट मक्खन पूरा ही बहुत बड़ा। ओ भाई, ये तो पूरी पलट दी सर आपने। ओ भाई साहब, खाओ तो याद करोगे ना, सोने की ईंट लग रही थी सर, पूरी पूरा उतना ही साइज था। और ये देखो भाई, अब मक्खन मेल्ट होना शुरू होगा और जैसे जैसे मक्खन मेल्ट होगा मेरे अरमान जो है वो साथ में मेल्ट करेंगे मुझे। देखो सबसे पहले क्या आएगा सर? प्याज। सबसे पहले तो भाई ये आ गया प्याज भर भर के। फिर आ गया अदरक। ये आ गया जी अदरक। अच्छा अदरक जी। अब आ गई हरी मिर्च। हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक और प्याज और भाई लच्छे अदरक के नमक। ये आ गया जी नमक। सर नमक कहते हैं स्वाद अनुसार। हाँ जी हाँ, सर में समझ आए समय बात एक ही है, नमक तो डालना ही पड़ेगा ना। जी 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 जी, नमक के बगैर तो काम नहीं होगा। एक ग्रेवी बन गई है जी लटपट सी और इसकी जो ग्रेवी है टोटली मक्खन के अंदर है भाई। अब डालना इसमें टमाटर। टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काट के डालेंगे और मक्खन के अंदर जब मेल्ट होगा ना टमाटर भाई, इतनी बढ़िया एक खुशबू आएगी और बाद में जो स्वाद आएगा इसका जबरदस्त। पनीर भुर्जी वाला मसाला। ये है जी पनीर भुर्जी वाला मसाला। सर ये चीज क्या है? अपने मसाले तैयार करते हैं। ये मसाले तैयार करते हैं अपने बनाते हैं। सर ये बेसन में होता है, दूध में होता है? नहीं मिक्सिंग है भाई। मिक्सिंग में होता है। ये देखो भाई एक बढ़िया सा मसाला है और उसके अंदर जैसे बेसन है और कुछ मसाले हैं और भाई ये मिक्स कर दिया अच्छे से और ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। अब देखो जी पनीर का निकाल दिया कचुंबर। यहाँ पे पनीर को कद्दूकस नहीं करते, इसको अच्छे से हाथों से क्रश कर देते हैं। और ये और पनीर आ गया भाई। सर ये डेयरी पनीर है या जैसे पैकेट वाला है? नहीं ये हमारे जो हलवाई बनाते हैं उसे लेते हैं। अच्छा हलवाई से लेते हैं आप जी। ये पनीर के रेट है 440 रुपए किलो। 440 रुपए किलो वाला है जी। भाई साहब एकदम जबरदस्त सिजल आया है तवे के ऊपर और तांबे का या पीतल का है ना? पीतल का है, तांबे का। अच्छा तांबे का है। अब इसमें दूध डालेंगे थोड़ा। ये आ गया जी दूध। दूध से जो ग्रेवी है वो बन जाएगी प्रॉपर और अमृतसरी स्वाद जो है वो आ जाएगा इसमें। अब जाएगी ये प्लेट के अंदर प्याज। ये आ गया जी प्याज। जीने की चटनी जी। ये गुड़ वाली चटनी। ये गुड़ वाली चटनी। अब जाएगा इसमें पनीर भुर्जी। अब आएगी जी इसके अंदर पनीर भुर्जी। ये देखो कस्टमर को बटर कम लगे तो डलवा सकता है। अच्छा अभी और अभी कम लगे तो डलवा सकते हैं। हाँ जी। सर आपने ईंट तो डाल दी, अब क्या डालेंगे? ईंट का जवाब मर्जी ना। ये काली मिर्च जीरा। ये आ गया जी काली मिर्च और जीरा। हरा धनिया। हरिया धनिया। ये आपकी प्लेट जो है ये बन के तैयार है भाई साहब, जबरदस्त लग रही है। प्यारे लाल जी की पनीर भुर्जी तो फेमस है ही भाई, यहाँ पे ना न्यूट्री कुलचा के भी दीवाने हैं और यहाँ पे भाई साहब तड़के वाली न्यूट्री बहुत जबरदस्त है। और भैया आपका नाम? राहुल। राहुल, तो राहुल भैया जी यहाँ पे हमें दिखाने वाले प्यारे लाल जी की स्पेशल तड़के वाली न्यूट्री और अमूल मक्खन की ईंट के बिना तो अमृतसर वाले लोग बात ही नहीं करते सर। तो सर ये बताइए कैसे बनाते हैं और ये न्यूट्री के वाले बारे में पहले बताइए आप। ये सोयाबीन होता है न्यूट्री कुलचा जी जी जी, मक्खन में फ्राई करेंगे। अच्छा, और टेस्ट ये होती 70 रुपये प्लेट मक्खन वाली, जो सिंपल होती है 40 रुपये प्लेट होती है। अच्छा सिंपल 40 की है और दूसरी वाली मक्खन वाली 70 की। ये आपके सामने कर दी। तो ये देखो ये तड़का लगने वाला है, न्यूट्री की प्लेट यहाँ से उठाई और सीधा डाली मक्खन के अंदर और इसके साथ दो अमृतसरी कुलचे वही स्पेशल खमीर वाले। और भाई इधर देखो न्यूट्री के ऊपर शिमला मिर्च भी डाल रखी है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त अरोमा आ रहा है। ये आ गया जी थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक भी आ गया। और भाई क्योंकि पनीर भुर्जी वाले हैं ना तो पनीर भुर्जी वाला तड़का ही लगाएंगे यहाँ पे, जबरदस्त टमाटर वाला। और ये आ गई शिमला मिर्च। ये तड़का लगाते लगाते आपके मुंह में भी पानी आ गया ना? है ना?
यहाँ पे अमृतसर वाले ना अच्छे से जानते हैं कि कैसे जायका कैसे स्वाद बनेगा। थोड़ा पनीर। अच्छा पनीर तो डालना ही है जी, प्यारे लाल जी की दुकान पे आए तो पनीर के बिना बात नहीं बनेगी। काली मिर्च और जीरे का कॉम्बिनेशन है जी, ये ऊपर से पड़ता है सीजनिंग्स और इधर आ गया जी हरिया धनिया, थोड़े प्याज, ये आ गया जी प्याज, थोड़ी खट्टी चटनी, थोड़ी सी खट्टी चटनी, गुड़ की चटनी, साथ में गुड़ की चटनी। और भाई साहब ये आपकी बढ़िया तड़के वाली न्यूट्री रेडी है और इसके साथ ये आ गए जी दो कुलचे जिनको डिप किया जाएगा, जिनको फिर से डिप किया जाएगा भाई इस मसाले के अंदर। और अभी इनका रंग देखना सर पलटिए, इसके साथ थोड़ा बड़ा। अच्छा मक्खन भी आएगा भाई, ये देखो रंग क्या जबरदस्त रंग आया कुलचे पे। और ये आपकी प्लेट रेडी सर, ये 70 वाली है, ये 70 वाली है जी, इन्हें सिंपल खानी हो 40 पे प्लेट, सिंपल 40 की, ये वाली 70 की। और सर अगर न्यूट्री एक्स्ट्रा चाहिए मिलेगी? हाँ मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू जी। और सर लोकेशन बता दो। पता है जामा सिंह टाइमिंग चेंज प्यारा लाल प्रेमपुर के। और टाइमिंग्स आपकी? सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, संडे 6 बजे तक। संडे 6 बजे तक। और वो आपके पापा बोल रहे थे 5 बजे तक, तो 5 बजे आएंगे 6 बजे तक मिल जाएगी? मिल जाएगी। डन सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद पटांदरा। सबसे पहले तो पनीर भुर्जी चेक करो आप, ये देखो, ओए होए 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 यार, ये कितनी सब्सटेंशियल है यार, मतलब ये एकदम चिपकी हुई है यार, एक दूसरे के साथ एकदम प्यार मोहब्बत से बंधन बनाया हुआ है। और सामने ये कूलर चल रहा है और इधर देखो भाई ये हरिया धनिया मिक्स हो गया अच्छे से, काश मैं भी ऐसे घुल मिल जाता पनीर भुर्जी के साथ अच्छे से। तो ये है जी एक स्पून, यहाँ से लेते हैं एक बाइट। एंड भाई साहब हियर्स अ बाइट, ये आ गई जी पनीर की भुर्जी, थोड़ी सी इधर से लेते हैं चटनी। एंड भाई हियर इज कमाल है, धमाल है भाई साहब, इससे ऊपर कुछ है नहीं। मेरी मानो अमृतसर में जब भी आते हो ना, हरमंदिर साहिब के दर्शन करके उसके बाद ये पनीर भुर्जी ज़रूर खाओ, सर्दियों में तो भाई साहब और भी दीवानापन हो जाएगा आपको, मान लो मेरी बात। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे टाइम दिया सर। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश दत्त है सर। गणेश दत्त जी सर। गणेश जी आपकी मट्ठी छोले ने ना मतलब मुझे बहुत दूर से यहाँ पे बुलाया है, तो इतना क्या स्पेशल है सर आपकी मट्ठी में कि लोग दीवाने आपके? सर सबसे बढ़िया पहले बात आपको मैं बताता हूँ कि मट्ठी में क्रंची पूरा होता है जी। दूसरा सर जो हमारे चने हैं इसमें ना किसी तरह का कोई ऑयल है जी, ना हमने कोई रिफाइंड यूज किया है, ना इसको हमने तड़का वगैरह लगाया जी, सिंपल चने हैं सर ये। तो बिना तड़के के छोले हैं और साथ में मट्ठी है वो बिना ऑयल के है सारा, मतलब एकदम क्रंची मट्ठी है, क्रंची मट्ठी है सर जी। और यहाँ पे कुलचे भी होते हैं? कुलचे भी होता है सर। बहुत बढ़िया, तो आपकी दुकान का नाम क्या है सर? सर पंडित जी कुलचे छोले वाले। पंडित जी छोले कुलचे वाले, बहुत बढ़िया सर। एक बार छोले दिखाएंगे प्लीज? हाँ सर आइए। भाई साहब ये देखो ये है छोले, और बिना तड़के के बिना लहसुन प्याज के छोले हैं, बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। और इनको सर बनाने में कितना टाइम लग जाता है? सर देखिए सर ये वर्किंग जो है सर रात को शुरू हो जाती है जी। चने को सर पहले भिगोया जाता है। अच्छा जी। उसके बाद इसको साफ करके दोबारा दूसरे पानी में सर इसको बॉइल किया जाता है जी। सर मॉर्निंग सर आप मान लीजिए हम 4:30-4 बजे सर इसको बॉइल के लिए रखते हैं। अच्छा जी। और सर 10:30-11 बजे तक ये गैस पे होते हैं। और मसाले के साथ ही बॉइल पे रख देते हैं? नहीं सर, मसाला बॉइल करने के बाद डाला जाता है। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर मट्ठियाँ भी दिखा दीजिए और थोड़ी सी क्रश करके भी दिखाइए प्लीज। ये देखिए जी, अरे वाह एकदम खस्ता मट्ठी है यार, जैसे यूपी की कचौरी वैसे अमृतसर की मट्ठी, एकदम जबरदस्त सर ये मट्ठी है सर। जी 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 सर। इस पे ये चने आएंगे सर। ये आ गए जी छोले ऊपर से सर। ये चिल्ली और जिंजर है सर इसमें। है जी चिल्ली और जिंजर। हाँ अदरक और मिर्ची। वाह यार ये आपने अचार की तरह रखे हुए हैं। हाँ सर ये देखिए सर ये सॉस है सर खट्टी। ये आ गए जी एक चटनी खट्टी मीठी सर। ये ऑनियन हमारा। और ये आ गया जी प्याज।
और सर इसके बाद हमारा ये मट्टी चने का होते ये मट्टी छोले की प्लेट तैयार। और सर ये कितने की प्लेट है? सर अभी तक 20 रुपए की है। 20 रुपए की प्लेट है सर? क्या बात कर रहे हो सर, मतलब अभी भी 2023 में भी 20 रुपए की प्लेट है सर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और सर एक चीज बताइए, यहाँ पे लोकेशन क्या है आपकी? सर कटरा जयमल सिंह ब्राइडल गैलरी के बिल्कुल बाहर है सर। जी जी जी। और टाइमिंग्स आपकी? सर टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रात। बढ़िया। और सर एक वो जो छोले कुलचे वो भी आप लगा के दिखा दीजिए। सर मैं चने लगाता हूँ पहले। जी तो ये देखो जी, छोले आ गए प्लेट के अंदर और ये मिर्ची और साथ में ये आ गई जी चटनी और मिक्स हो गई। सर दे सर ये प्याज और कुलचे जो है अमृतसरी खमीरी कुलचे हैं जी, बहुत जबरदस्त। सर एक बार कुलचे का रंग ऊपर से दिखाइए, वो बड़ा मस्त लग रहा है। सर देखिए सर। जी सर, इसका सॉफ्टनेस देखिए। अरे वाह क्या बात है, एक बार इसको पलट के दिखा दीजिए कुलचे को। ये जो रंग है ना भाई, ये आइडेंटिटी है अमृतसर की, अमृतसरी कुलचे जो हैं। खमीर आपको ऐसे ही कच्ची खमीर ऊपर दिखेगी और साथ में ये बढ़िया छोले। और भाई यहाँ पे आके आप ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बोलोगे भाई हरिया तू कमाल है यार, ज़बरदस्त। और सर इसके अलावा कुछ और भी होता है अपने पास? सर एक भीगा कुलचा होता है सर। जी सर, ऐसे कुलचे को लेते हैं। जी सर, इस कुलचे को हमने चने में सर डिप करना है। अच्छा जी सर, ये जैसे डाल दिया सर। अच्छा ये कुलचा आप? अच्छा 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 सर, इसको अच्छी तरह से सर इसको डिप कर दिया। जी 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 सर, डिप करने के बाद जी सर इसको ऐसे चने से बाहर निकाल के सर, जी जी सर इसको डिप कुलचा कहते हैं। अच्छा जी, इसको सर इसके ऊपर चने डाल दिए जाते हैं। वाह सर, सेम प्रोसेस वही। जी क्या बात है यार, ऊपर से चटनियाँ और प्याज और अदरक और हरी मिर्ची और भाई ये प्लेट तैयार। और सर इसका भी प्राइस बता दीजिए। सर 20 रुपए है। ये भी 20 रुपए? जी सर। और छोले कुलचे भी? सर वो भी 20 रुपए। क्या बात है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया प्रेपरेशन है। आप यहाँ पे आओ और ये ट्राई करो, आपको मज़े आ जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, जो स्टॉल है वो भी एकदम साफ सुथरी स्टॉल है एल्युमिनियम की, तो दुकान पहचान लो और यहाँ पे आ जाओ भाई एंजॉय करने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपनी प्लेट भी ट्राई करते हैं जी। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा, पंडित जी के स्पेशल मट्टी छोले, ऊपर से जो इन्होंने मिर्ची और अदरक डाल रखा है ना भाई, ज़बरदस्त वाइब आ रही है। ये मट्टी के एक दो पीसेस उड़ाते हैं और यहाँ से भाई साहब हियर्स अ बाइट, स्पेशल वाली भाई, नेक्स्ट लेवल वाली, पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। हियर गोज। भाई चटनी और मट्टी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। छोले तो एक कॉम्प्लीमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, एकदम रूह को सुकून देने वाले छोले हैं। और मट्टी का क्रंच, और मट्टी का क्रंच उस रूह को जगाए रखता है यार, क्या बात है, मज़े आ गए।